हेलो स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। नंबर एंड देयर ऑपरेशन की जो एक्सरसाइज 1.1 थी, आज हम उसका पार्ट 3 करेंगे। पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमारे पिछले वीडियो में किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, राइट द फॉलोइंग न्यूमेरल फॉर्म में लिखने हैं, न्यूमरेशन दे रखे हैं इंडियन एंड इंटरनेशनल दोनों सिस्टम से। पहला इंडियन सिस्टम में है 60 करोड़, तो 60 के बाद कॉमा, 80 लाख उसके बाद कॉमा लगाएंगे, 4000 तो 04 दो डेट आएंगी कॉमा, और 70 तो 100 में कुछ नहीं है, 070 इस तरीके से। सी वाला देखिए, 50 लाख, 50 के बाद कॉमा लगा देंगे, 63000, 63 के बाद कॉमा लगाएंगे, 804 लिख देंगे। एक इंटरनेशनल सिस्टम का हम देख दे हैं, तो इंटरनेशनल सिस्टम का हम डी वाला देखते हैं, 405 लिखेंगे बिलियन के लिए पहला कॉमा, फिर 6 मिलियन लिखेंगे तो 006 तीन डेट आती हैं इंटरनेशनल में, मिलियन के लिए कॉमा लगा देंगे, उसके बाद में 896,000 के लिए कॉमा लगाएंगे, और उसके पीछे कुछ भी नहीं है तो 30 और लगाई जाएंगी। 6 वाला मैचिंग करनी है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले सभी को न्यूमेरल फॉर्म में लिखेंगे, जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा था, कॉलम ए के सभी को मैंने न्यूमेरल फॉर्म में लिखा हुआ है कॉमास अरेंज करते हुए। उसके बाद हम कॉलम बी में आएंगे और कॉलम बी के सभी को न्यूमेरल फॉर्म में लिखेंगे। उसके बाद हम जीरो काउंट करेंगे, जैसे एक में 70 हैं तो सामने जिसमें 70 है उससे मैच कर देंगे, जिसमें 80 हैं उसे 80 वाले से मैच करेंगे, जिसमें 90 हैं उसे 90 वाले से मैच करेंगे, और जिसमें 10 हैं, 10 बिलियन जो लिखा हुआ है उसे 1000 करोड़ जिसमें 10 हैं उससे मैच कर दिया जाएगा। इस तरीके से हम अपनी मैचिंग को कंप्लीट कर देंगे। अब ये एक्सरसाइज फिनिश हो गई है। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं आपको। इससे पहले वीडियो अगर आपने नहीं देख पाए हैं तो इसी चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएंगे, उसमें से आप पिछले क्वेश्चंस भी आसानी से कर सकते हैं, समझ सकते हैं।